बच्चों, एक क्लास में हमने आपको इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम भेज दिया था। दूसरी क्लास में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक भेज दिया था, ठीक है। फिर हमने नॉन इनर्शियल का भी बचा हुआ पार्ट, फिर इनर्शियल नॉन इनर्शियल पढ़ा के भेज दिया था। आज बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं। देखिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको इसमें मिलेंगे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं बाय द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, बाय द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन बाय द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल of particle are transform from one frame to another frame, एक फ्रेम से another फ्रेम में transform by the Lorentz transformation। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं बाय द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। किसके थ्रू? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। यही गैलीलियन में लिखवाया था। गैलीलियन से भी पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म किए जाते थे, लॉरेंज से भी ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। देखिए, यह है फ्रेम एक्स वाई जेड, ऑब्जर्वर ओ, यह है फ्रेम एस जो रेस्ट में है। दूसरा फ्रेम है वाई डैस एक्स डैस जेड डैस, ऑब्जर्वर ओ डैस, ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी इन फ्रेम एस, एक्स डैस वाई डैस जेड डैस टी डैस इन फ्रेम एस डैस, ठीक है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट्स जो आए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो कोऑर्डिनेट्स आए, इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन से कोऑर्डिनेट्स जो आए वो इस तरह आए, एक्स बराबर एक्स डैस प्लस वी टी डैस, वाई डैस जेड बराबर जेड डैस और टी बराबर टी डैस। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं फ्रेम एस के, ये कोऑर्डिनेट्स हैं फ्रेम एस डैस के। इनवर्स रिलेशन एक्स डैश की वैल्यू एक्स माइनस बी वाई जेड डैश, ये फ्रेम एस के कोऑर्डिनेट एस डैश, ये कोऑर्डिनेट, तो ये इनवर्स रिलेशन। फ्रेम एस के कोऑर्डिनेट्स
एस के कोऑर्डिनेट है एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वाई बराबर वाई डैश, जेड के कोऑर्डिनेट है जेड बराबर, क्योंकि उन पे मोशन ही नहीं है और टी को इन्होंने सेम मान लिया है, तो एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, वाई पे मोशन नहीं तो वाई डैश बराबर वाई, जेड पे मोशन नहीं जेड डैश बराबर जेड और टी डैश। अब लॉरेंज में करेक्शन किया, देखिए अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स डैश की वैल्यू के एक्स माइनस वी टी, एक्स डैश की वैल्यू के एक्स माइनस वी टी, एक्स डैश की वैल्यू है के एक्स माइनस वी टी, या एक्स बराबर के एक्स डैश प्लस वी टी, ठीक है, के कांस्टेंट या गामा कांस्टेंट लगाया, ठीक है, के आपका कांस्टेंट है या गामा कांस्टेंट, के और गामा की वैल्यू है, कांस्टेंट के और गामा की वैल्यू है, कांस्टेंट के और गामा की वैल्यू है, के का मान है 1/√1 - b² / c² या गामा की वैल्यू है 1/√1 - v² / c² के का मान या गामा का मान है 1/√1 - v² / c² के का मान है या गामा का मान है 1/√1 - v² / c² ठीक है, के या गामा 1/√1 - v² / c² अब देखिए इससे अब लिखिए जरा कोऑर्डिनेट्स, जरा इससे कोऑर्डिनेट्स लिखिए, ठीक है, अब ये लिखा जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल पी पी इन फ्रेम एस विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल पी इन फ्रेम एस विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश 1 - b² / c², ये आ गया नीचे भाई, x बराबर था k x डैश प्लस वी टी डैश, नीचे लगा दो √1 - b² / c² y की वैल्यू है z की वैल्यू है और t की वैल्यू है t डैश प्लस c² √1 - b² / c, याद करिए t बराबर t डैश प्लस vx डैश अपॉन c² √1 - b² / c², तो यहाँ पर x का मान है x डैश प्लस vt डैश अपॉन √1 - b² / c², y की वैल्यू है y डैश, z की वैल्यू है z डैश और t का मान है t डैश प्लस vx डैश अपॉन c² √1 - b² तो ये याद करिए k नीचे √1 - b² y की वैल्यू y डैश, z की वैल्यू z डैश, t की वैल्यू t डैश प्लस vx डैश अपॉन c² √1 - b² अपॉन। अब देखिए इनवर्स रिलेशन, उल्टा कोऑर्डिनेट्स
और पार्टिकल पी, पार्टिकल पी इन फ्रेम एस विद रिस्पेक्ट टू एस डैश. Coordinates are particle P in frame S dash with respect to S. Particle के coordinate frame S में किसके respect में S dash थे. तो coordinates are particle P in frame S dash with respect. तो अब देखिए X dash की value है X minus VT upon under root, खोल दो जरा, 1 minus V square upon C square. Y dash की value Y, Z dash की value Z, टी डैश की वैल्यू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर. आ जाओ आ जाओ, अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं फ्रेम एस डैश में, ये कोऑर्डिनेट्स हैं फ्रेम एस. नोट करो, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जल्दी से नोट करो.